गाइज मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसबीआई का एक नया अपडेट आया है। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप सबको एक अपडेट दिया था इससे पहले भी कि हर एक बैंक को ये अपडेट आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आप सबको अभी इस एप्लीकेशन में आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि एसबीआई ने ये अपडेट दिया है। नया वर्जन 7.2.6 में ये नया वर्जन अपडेट हुआ है एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में, जो कि आप सबको बहुत नया फीचर इसमें अपडेट करके दिया गया है। साथ में आप सब अपना कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, साथ में लिमिट सेट कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि आरबीआई की ने एक अपडेट दिया था कि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है इंडिया में, फ्रॉड लेके ये जो नया अपडेट दिया गया है ये एसबीआई में दिया गया। और आप सबको यूनियन बैंक में भी एक अपडेट आपको मिला था, बट अभी जो मैं एसबीआई का आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ये देख पाएंगे मैनेज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो ट्रांजेक्शन है आप इसमें सेट करके रख सकते हैं, जो कि एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में ही ये सब फैसिलिटी दिया गया है। साथ में एक्टिवेट और जिस प्रकार आप सब मोबाइल को ऑन और ऑफ करते हैं उसी प्रकार इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। साथ में एटीएम को लेके और एमपोस मशीन को लेके आप सबको मालूम कि एमपोस मशीन का भी अगर ट्रांजेक्शन आप से रोकना चाहते हैं तो इधर से रोक सकते हैं। साथ में आप मॉडिफाई लिमिट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर अगर इस मंथ आपको 10,000 रुपए की लिमिट की जरूरत है तो 10,000 ही इधर से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको 5,000 की लिमिट है तो 5,000 इधर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। क्लिक सर्विस यानी सर्विस में जाने के बाद आपको मैनेज कर जाना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो भी आपको लिमिट सेट करना है इधर से आप लिमिट सेट कर सकते हैं, जो कि नया फीचर जो है 7.2.6 में जो ये नया वर्जन जो एक्टिवेट किया गया है एसबीआई की तरफ से इस एप्लीकेशन में आप सबको ये सब फैसिलिटी मिलने वाला है। इससे पहले गाइस चलो मैं इससे पहले ओके करता हूँ। ओके करने के बाद गाइस देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद गाइस देखेंगे आपको जो नया फैसिलिटी आपको जानना है, इसके लिए आपको जितना लिमिट है आपको अवेलेबल लिमिट आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो भी लिमिट सेट करना है आप खुद से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको लिमिट सेट करना है। इसके लिए तो आपको फाइनली आपको 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। चलो फाइनली मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद सबसे पहले गाइस देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस का, तो फाइनली आप सर्विस पे क्लिक कीजिए। सर्विस पे क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे आपको नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है मैनेज कार्ड और यूजिंग का, तो फाइनली आप मैनेज कार्ड पे क्लिक कर दीजिए। चलो फिर मैं मैनेज कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आपको देखे कि मैनेज कार्ड पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैनेज कार्ड पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। मैनेज कार्ड पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें गाइस आप देख पाएंगे आपका कार्ड का जितना लिमिट रहेगा वो लिमिट आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर देगा ऑप्शन आपको मिलने वाला है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, अगर ये सब का आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक कीजिए। डोमेस्टिक मतलब आपको इंडिया में आप काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल मतलब आप आउट ऑफ इंडिया का काम कर सकते हैं, जो कि आपके डेबिट कार्ड से होने वाला है और क्रेडिट कार्ड से भी होने वाला है। तो गाइस फाइनली मैं डोमेस्टिक पे क्लिक किया हूँ। डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऊपर देख पाएंगे आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है इसको आप बंद कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ उसका आपको टिक, मैं ऑलरेडी सबको बंद करके रखा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि आप सबको जो है आरबीआई ने ये फैसिलिटी दिया था आपको ये फैसिलिटी को यूज करना चाहिए, तो इसके लिए फाइनली सब कुछ बंद करके रखा हूँ। तो चलो सबसे पहले इसको ऑन करता हूँ। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे मैं ऑन किया हूँ तो उसके बाद देखेंगे आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे चालू हो गया, उसके बाद आपका लिमिट हो गया 39,000 का, इसको आप इधर से कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर अभी मैं 1,000 पर सेट किया हूँ तो 1,000 रुपये हमको सेट हो गया। उसके बाद इधर से आप अपलाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए, यानी अभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई आपको फ्रॉड करना चाहता भी है तो आपको 1,000 का ही फ्रॉड होने वाला है आपके कार्ड से, अगर आप उस पर टिक लगा कर रखेंगे तो। उसके बाद कहते हैं एक ऑप्शन आपको मिलता है एमपोस मशीन का, अगर आप लोग एमपोस मशीन में भी सेट करना चाहते हैं लिमिट को तो इसी प्रकार आप एमपोस मशीन में भी लिमिट को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर अभी 1,000 से 1,000 इधर कर सकते हैं। उस पर आप कार्डलेस एक होता है जिसकी वाईफाई ट्रांजेक्शन आप होता है, वाईफाई ट्रांजेक्शन भी अगर आप लोग करना चाहते हैं उसमें आप टिक लगा रख सकते हैं। जैसे इसको ऑन करके रखें तो उसका आप लिमिट इधर से सेट कर दीजिए। अगर एटीएम से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो एटीएम पर कर दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी लिमिट अगर नहीं चाहते तो लिमिट भी जैसे आप रिमूव कर सकते हैं, यानी पूरे ट्रांजेक्शन अगर आप बंद कर देते हैं तो आपको एक भी रुपए का फ्रॉड होने वाला नहीं है। जब आप चाहिए तब इसको ऑन कर लीजिए और जब आपको चाहिए तब इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये एक नया फीचर जो दिया गया है एसबीआई एप्लीकेशन में। सो गाइस अगर आप सभी यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, साथ में एटीएम को लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर एटीएम से कितना आपको मनी विड्रॉ करना है वो एटीएम का भी इधर से आप सेट कर सकते हैं, जो कि आप देख पाएंगे सेट एटीएम विड्रॉ लिमिट, अब जितना भी लिमिट चाहिए आप लिमिट को इधर से सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अपडेट करके दिया है आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू। हर एक बैंक को ये अपडेट आपको करना ही पड़ेगा और आप सबको मैं हर एक बैंक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, जो कि आपके यूनियन बैंक के देख लीजिए या एक्सिस बैंक के देख लीजिए या आईसीआईसी के देख लीजिए या एसबीआई के देख लीजिए, मैं हर एक बैंक के ऊपर आप सबको वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का लिंक डाला गया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप सबको हर एक वीडियो का जो है मालूम पड़ जाए कि इस तरह से लिमिट सेट किया जाता है। उसी प्रकार ये एसबीआई का जो लिमिट था मैं पूरे आप सबको इस वीडियो में दिखा दिया। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।